कोटा में है। ये प्रॉपर्टी 180 साल से ज्यादा पुरानी है। यूं तो ये भवन अपने मेंटेनेंस के लिए बहुत फेमस है। एक रॉयल लिविंग, बड़े ड्राइंग रूम्स, डेकोरेशन, सुंदर लॉन्स और नेचर से जुड़ा ये भवन टूरिस्ट अट्रैक्शन है। पैलेस 1830 में बनाया गया था और ये ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया था। शुरुआत में इसे मॉन्यूमेंट की तरह रखा गया, फिर इसे ब्रिटिश ऑफिशियल्स यूज करने लगे अपने रहने के लिए। उसके बाद ये जगह वीवीआईपीज की मेंशन बन गई। यहाँ बड़े बड़े वीवीआईपीज रुकते थे। होने वाली हॉन्टेड चीजें, यहाँ पर पैलेस में ब्रिटिश ऑफिसर का भूत देखा गया है जिसको इस पैलेस में 1857 में मार दिया गया था। यहाँ पर जब ब्रिटिश ऑफिशियल्स रहा करते थे तो उन्होंने इसे अपना पर्सनल रेजिडेंस बना लिया था और वो लोग इस पैलेस में अपनी फैमिली के साथ रहने लग गए थे। और यहाँ एक बार कोटा आए मेजर चार्ल्स बर्टन, जिन्हें कोटा बहुत ही सुंदर लगा और उन्होंने अपनी फैमिली के साथ यहाँ शिफ्ट होने का फैसला लिया। और इंडियन सोल्जर्स की टुकड़ी ने इस पैलेस में 1857 को हमला कर दिया और बर्टन के बॉडीगार्ड्स को मार गिराया। बर्टन और उसकी फैमिली भी इस अटैक में मारे गए। उस समय कोटा के राजा ने डेड बॉडीज को पैलेस के सेंट्रल हॉल में दफनाने का फैसला लिया और उसी के बाद से यहाँ पैरानॉर्मल घटनाएं घटने लगी। आसपास के गांव में रहने वाले लोगों का मानना है कि आज भी इस महल में वो बॉडीगार्ड्स और बर्टन की फैमिली रहती है। इन सब एक्टिविटीज को हवा और मिली जब भवन के अंदर सिक्योरिटी गार्ड्स को थप्पड़ पड़े। दरअसल एक रात सिक्योरिटी गार्ड्स को यहाँ किसी पावर ने हिट किया और नींद से जगाया। यहाँ अक्सर गार्ड्स को थप्पड़ पड़ते हैं जब वो अपनी ड्यूटी नहीं निभाते। सुबह में अगर मैं बहुत जल्दी निकल जाता, 6 बजे के आसपास निकल जाता तो मैं ज़्यादा और एक्सप्लोर कर पा। बट हुआ ये कि बारिश हो रही थी सुबह में, आसपास में रुकी लेकिन मुझे थोड़ा सा मतलब आलस फील हो रहा था तो मैं जाने का मतलब इन द सेंस कि रात भर सो नहीं पाया था, मैं नींद नहीं आ रहा। डोंट नो व्हाई, काफ़ी बढ़िया मेंशन है पीछे यार, अप्रिशिएट करता हूँ ऐसे मेंशन को। बट मैं ऐसे डायरेक्ट फोटो नहीं कर, वीडियो नहीं कर सकता क्योंकि किसी का प्राइवेट मेंशन हो। भाई पिकॉक देखो यार, इतना ओपनली और इतना नेचुरली पिकॉक दिख रहा है। तो अप्रॉक्सीमेटली 4 किलोमीटर वॉक करने के बाद मैं पहुंच गया हूँ ब्रिज राज पैलेस। और यहाँ पे आने के बाद पता चला कि मैं ये मैंशन का एक भी वीडियो नहीं बना सकता हूँ। एक अंकल बैठे हुए मेरे सामने, इन अंकल से मैंने बात की, मैंने बोला कि ठीक है अंकल नहीं कर पा रहा हूँ तो छोटा सा ही व्लॉग बना लो। तो बोले नहीं अलाउड नहीं है। तो अंकल से मतलब कुछ व्लॉग में कुछ चीज़ें मैंने पढ़ी थी तो मैं अंकल से डिस्कस कर रहा था। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं जो अंकल से डिस्कस कर रहा हूँ वो आप देखो कि अंकल क्या बता रहे हैं। अंकल व्लॉग में मैंने ये सुना था कि घोस्ट जो होते हैं यहाँ पे, जो घोस्ट है वो सिक्योरिटी गार्ड को चमेट वमेट मार देते हैं यार अगर सो जाते हो आप, ऐसा कुछ तो ऐसा कुछ नहीं है? तो आप कितने साल से सर्विस कर रहे हैं? आप एक बार भी नहीं देखे? इतने साल? 25 साल हो गए मेरे। 25 साल, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। तो मतलब व्लॉग में बता रहे थे कि घोस्ट वगैरह को चपेट वपेट मार देते सो नींद ना, ये सब फेक है? सब फेक है। कितने सिक्योरिटी गार्ड होंगे आप लोग यहाँ पे? हम 4 सिक्योरिटी गार्ड। 4 सिक्योरिटी गार्ड है। तो वो रास्ता था भाई वहीं से? हाँ, मेरे सामने किसी के साथ भी नहीं हुआ ऐसा। मतलब सब फेक है सारा बोला हुआ बात? अच्छा हाँ, एक बात और बोल रहा था कि मतलब व्लॉग में मैंने ये भी पढ़ा है कि जो बुस्टन, मतलब यहाँ पर ये है कि वो जो अंग्रेज राजा था बुस्टन जिसका नाम था, उसका बात कर रहे, जो अपने फैमिली के साथ रहता था उसके बारे में बात कर रहे, जो सबसे पहले जिसके लिए बना था ये। नहीं, उसको भी यहाँ नहीं दफनाया गया।